और लोग ऐसे मतलब विश्वास नहीं करते कि अगर कोई दुबला पतला हो गया या कोई थोड़ा ट्रिम हो गया तो वो लोग खाते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है. सो इट्स बेसिकली ईटिंग राइट, नॉट ईटिंग टू मच स्वीट एंड नॉट ईटिंग टू मेनी फ्राइड थिंग्स, एंड दीज आर ऑल गुड फॉर द हेल्थ. आपके फैंस के लिए जो रानी मुखर्जी बनना चाहती है, जो रानी मुखर्जी की तरह बनना चाहती है दादा, क्या खाए? आई ऑल्सो कम फ्रॉम बेसिकली अ मिडिल क्लास फैमिली, और मैं जैसा खाती हूँ, जैसे लंच में आई जस्ट टेक चावल, थोड़ा सा चावल, और मतलब चीज़ है कि ज़्यादा चावल नहीं खाना चाहिए, थोड़ा चावल खाना चाहिए. तो चावल के साथ मैं एक सब्जी खाती हूँ जो एक मतलब करी होता है, जैसे गवार की कड़ी होती है या भिंडी की कड़ी होती है, तो मेरा लंच वो ही मतलब रहता है, विच इज़ वेरी वेरी इजी फॉर एनी वन टू फॉलो. क्योंकि घर में तो चावल बनता ही है और सब्जी तो बनती है सबके घर में, तो दैट्स लाइक रियली रियली सिंपल. तो चावल और रोटी को मिक्स नहीं करना चाहिए? नहीं, चावल मतलब आई एम नॉट अ रोटी पर्सन, मैं ज़्यादा रोटी खाने की शौकीन नहीं हूँ, बट क्योंकि शायद आई हैव अ वेरी बंगाली अपब्रिंगिंग, बचपन से मैंने चावल खाया हुआ है और मैं खाती आ रही हूँ, तो मुझे चावल ज़्यादा पसंद है, तो मैं चावल खाती हूँ. और शाम को जैसे मुझे चाय बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने चाय से अभी मैंने ट्रांसफर कर लिया ग्रीन टी पे. ग्रीन टी ऐसे सबका मानना है कि ग्रीन टी पीने से बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. क्या है रानी मुखर्जी का पंजाबी कनेक्शन? जी नहीं, हम किसी सर्टन मिस्टर चोपड़ा की बात नहीं कर रहे, लेकिन उस किस्से की बात कर रहे हैं जब हॉस्पिटल में रानी मुखर्जी अदला बदली का शिकार हो गई थी. बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से सुनिए. बोलिए चिंगम है चब्बी जा, चिंगम है चब्बी जा. अच्छा, चिंगम चिंगम है चब्बी जा, हैंडपंप है दब्बी जा, हैंडपंप है दब्बी जा, लाइफ का जूसा कड्डी जा, लाइफ का जूसा कड्डी जा, फिक्र करे फुकरे, फिक्र करे फुकरे. तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा. अच्छा, एक्सेंट पिकअप करने में आपको तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि ये जो पंजाबी एक्सेंट होता है वो बड़ा एक्चुअली मजेदार भी होता है. इतने सारे पंजाबी किरदार किए हैं, और क्योंकि मैंने इतनी सारी यशराज फिल्म्स की है, उसमें मैंने बंटी बबली में आप प्लेड अ पंजाबी कैरेक्टर, सो आई थिंक पंजाबी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए. एंड आई थिंक बचपन से मेरे बहुत सारे दोस्त मतलब पंजाबी है, आई बीन इन कंपनी ऑफ लॉट ऑफ पंजाबी, मेरी भाभी पंजाबी है, उनके मतलब डैडी पंजाबी है, तो मतलब पंजाबी इज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ फ्रॉम प्रॉब्ली चाइल्ड हुड. समाओ दिया जाए आई एम लाइक नो कनेक्टेड विद तीनों पंजाबी, समाओ दिया जाए आई एम लाइक नो कनेक्टेड विद तीनों पंजाबी, समाओ दिया जाए आई एम लाइक नो कनेक्टेड विद तीनों पंजाबी. सो and I'm very fond of Punjabi food because that has been kind of my diet from childhood, because my best friend in my childhood was like a Punjabi, so all my life I've had Punjabi food in the dabba. I used to have her dabba in the lunch time, yeah, and kali dal and makke ki roti and sarso ka saag, and she used to make me have these aloo parathas with the white makhan. So I think I don't know, there is some kind of a connect with me and you know Punjabis. Probably I was meant to be born a Punjabi but I'm born Bengali. तो पता नहीं, एक मतलब एक खास मतलब कनेक्शन है. और एक बहुत ही मजेदार बात है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं एक्सचेंज हो गई थी, ये बात एक्चुअली कोई जानता नहीं है, बट मेरी मम्मी मुझे ये बात मतलब बताती है कि जब मैं पैदा हुई थी तो नर्सिंग होम में उसी दिन एक मतलब सरदार फैमिली थी, और उनकी आठवीं या नौवीं मतलब लड़की हुई थी. They already had seven girls and it was the eighth child that was born and मैं exchange हो गई थी, so my mother had actually gone and fought for me and got me back. क्या बात है. हाँ, तो कभी कभी जाते जाते जी, तो मतलब बहुत बार मेरे फैमिली में ऐसा भी मुझे मतलब चिढ़ाते है कि रानी शायद तुम उसी खानदान से हो और इस खानदान से नहीं हो, तो शायद कोई मतलब कनेक्शन है, you never know. ऐसा क्यों हो गया है कि रानी मुखर्जी साल में डेढ़ साल में एक ही फिल्म कर रही है? नहीं, एक्चुअली जोता ऐसा हुआ कि जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी थोड़ा प्यार के टाइम पे,
तो मुझे ये फिल्म और इस फिल्म की कहानी और मेरा किरदार इतना पसंद आ गया था कि जो दूसरे ऑफर्स आ रही थी मुझे इस फिल्म के साथ, वो मुझे इतना एक्साइट नहीं मतलब कर रहा था. और मुझे पता था कि अगर मैं ये फिल्म करूँ तो मुझे बहुत सारा अपना टाइम इस फिल्म में देना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान फिल्म नहीं थी मेरे लिए. क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था कि आई वॉज प्लेइंग अ बॉय, आई वॉज प्लेइंग अ क्रिकेटर, आई वॉज गेटिंग इन टू अ स्पेस विच आई डिडंट नो. मतलब आई वॉज गोइंग टू लर्न अ स्पोर्ट विच आई नेवर प्लेड इन माई लाइफ. रानी मुखर्जी के साथ हमारी एक खास मुलाकात जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं जाइएगा नहीं. कहावत है कि मैरिज इज अ मेड इन हेवन, सो यू नेवर नो हु इज रियली गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर. बट यस, इफ आई एवर हैव टू लुक फॉर somebody, देन इट डेफिनेटली हैज टू बी somebody हु रिस्पेक्ट्स मी, रिस्पेक्ट्स द प्रोफेशन आई एम इन.